हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता सुजलिका फूड कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम सूजी मैंगो केक की रेसिपी लेके आए हैं, जिसमें हम ना ही कंडेंस मिल्क, ना ही एग और ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही अच्छी हमारी मैंगो केक बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं इसके जाली को, इसके स्पंज को, इसके टेक्सचर को, इसी से आपको पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज का पका हुआ आम लिया है। आम को मैंने रफली चॉप कर लिया है, इस तरह से काट लिया है। अब इसे एक मिक्सी के जार में हम डाल देंगे। 3/4 कप मैं यहाँ पे चीनी ले डाल रही हूँ। 2 हरी इलायची खोल के इस तरह से डाल दे रही हूँ। इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आम में इलायची फ्लेवर अच्छा लगता है। अगर आप नहीं डालना चाहते इलायची तो ना डालें, क्योंकि आम का भी अपना फ्लेवर है। अब इसे हम अच्छे से बारीक पेस्ट बना लेंगे। और ये देखें, हमने इस तरह से आम को पीस लिया है, इस तरह का पेस्ट बन चुका है। अब इसे हम साइड में रहने देते हैं। अब मैं एक बाउल में 1/2 कप फ्रेश दही डाल रही हूँ। दही रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आप दही यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 कप डाल रहे हैं रिफाइंड ऑयल। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को। इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आम का जो प्यूरी हमने बना के रखा था इसे हम डाल देंगे। अब इन चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप सूजी, जिसे मैंने मिक्सी में इस तरह से बारीक पीस लिया है। सूजी को बारीक पीस के लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। साथ में ले रही हूँ 1/2 कप मैदा बाइंडिंग के लिए। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1.5 कप बारीक वाला सूजी ले लीजिए। सभी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप दूध लिया है। ये पहले का उबला हुआ दूध है, अभी रूम टेम्परेचर पे है। इसमें से हम 1/2 दूध डाल देंगे और 1/2 रहने देंगे। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसे हम ढक कर रख देंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए। गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखा है, आप चाहें तो कुकर या पतीले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इस तरह का एक हम स्टैंड रख दे रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप कोई कटोरी या प्लेट को उलट कर रख सकते हैं। कढ़ाई को हम 5 से 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह गर्म होने देंगे, यानी प्री हीट होने देंगे। अब मैंने यहाँ पे घर का इस तरह का एक कटोरी लिया है। इसे हम थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर देंगे चारों तरफ। मैं थोड़ा सा मैदा डाल दे रही हूँ और इस तरह से मैदा को हम चारों तरफ कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा रहेगा उसे हटा देंगे। हमारा केक टिन बनकर तैयार है। बैटर को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये पहले से थोड़ा गाढ़ा हो गया है क्योंकि सूजी ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हमने जो बचा कर रखा था दूध 1/4 कप, उसमें से हम थोड़ा सा दूध इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। दूध हमें उतना ही डालना है जितना में कि ये रिबन कंसिस्टेंसी का बन जाए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, ये रिबन कंसिस्टेंसी का बन चुका है। 1 चम्मच के करीब दूध बच गया है। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पे दही यूज़ किया है इसलिए बेकिंग सोडा डाला है। अगर आप दही यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दूध डाल के बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इसे फेंटना नहीं है। अब इसे हम केक टिन में डाल देते हैं। बैटर को थोड़ा सा इस तरह से प्लेन कर देंगे और उसके बाद टैप करेंगे जिससे अगर इसके अंदर एयर बबल्स हो तो निकल जाए। अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, जिसमें से मैं काजू, बादाम, किशमिश और थोड़े से टूटी फूटी ली हूँ। और इसे हम इस तरह से केक के ऊपर डाल देंगे। ये इसे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर अपने मनपसंद दूसरे चीज़ भी डाल सकते हैं। इससे केक बहुत सुंदर दिखेगा। और ये प्रीहीटेड कढ़ाई में हम इसे रख देंगे, फिर कवर करके इसे हम 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। 35 मिनट के बाद आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लें। 40 मिनट हो गए हैं, केक हमारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए इसे एक बार हम एक
चेक कर लेते हैं। तो एक स्टिक्स डाल के इसे हम देख लेते हैं। और ये देखिए स्टिक में थोड़ा सा बैटर हल्का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम थोड़ी देर और बेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, इसे हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। और ये देखिए स्टिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब अच्छे से बेक हो चुका है। मुझे इसे बेक करने में पूरे 50 मिनट लगे हैं। आपको थोड़ा समय कम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि सभी के गैस बर्नर बर्तन अलग होते हैं। अब केक को हम ठंडा होने देंगे। केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसे एक चाकू की मदद से इसके किनारों को इस तरह से थोड़ा सा ढीला कर लेंगे और एक प्लेट के ऊपर इस तरह से पलट के थोड़ा टैप करेंगे। और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा केक बना है, आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको उठा के भी दिखा रही हूँ। ये देखिए इसके जाली को देखिए, इसके टेक्सचर को देख सकते हैं आप। मैं इसे काट के भी दिखा देती हूँ। मेरे काटने से लग रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सारे बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।